हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं पीले मटर की घुगनी बनाऊंगी। इसके लिए हम पीले मटर को रात भर भिंगो देंगे और सुबह इसमें नमक और हल्दी देके इसमें 2-3 सीटी लगवा लेंगे। हमने आलू भी साथ में ही उबाला है इसे। अब हम बेसिक मसाले लेंगे। इसके लिए हम 1 टमाटर, 1/2 चम्मच जीरा, 1 लौंग, 1 इलायची, 2 हरी मिर्ची, 1 प्याज और 1 अदद हरी लहसुन। अब हम मिक्सर जार में टमाटर, लौंग, इलायची, हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन और जीरा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा रेडी है मसाला। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम सरसों तेल लेंगे 4 चम्मच और इसे गरम कर लेंगे। अब इसमें जीरा थोड़ा सा और 1 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छे से कड़कने देंगे। अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी देंगे, हल्दी थोड़ी देंगे क्योंकि हमने मटर में भी डाल के उबाला है। अब हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी नमक, जो नमक हमने उसमें भी डाला था घुगनी में भी। अब 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची और 1/2 चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए और इसमें से तेल ना छोड़ दे, तब तक इसे हम अच्छे से भूंज के फ्राई करेंगे। अब इसमें हम जब ये अच्छे से भून जाए फिर इसमें हम पीली मटर को डालेंगे और इसे अच्छे से ढक के हम पका लेंगे और अच्छे से हम 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए देंगे। और ये बनकर रेडी है, काफ़ी टेस्टी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और ये खाने में काफ़ी यम्मी है। मैंने इसे नान कुलचा के साथ में सर्व किया है। एक बार जरूर ट्राई।